हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर साउंड के पेज नंबर 166, 167 और 168 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो 166 पे एक क्वेश्चन रह गया था जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर नहीं किया था, वो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सकें। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। सो लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको पता होनी चाहिए दैट बोथ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड। दोनों डिपेंड किस पे करती हैं, एम्पलीट्यूड के ऊपर ही। सो इनमें डिफरेंस क्या है, अगर दोनों एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दोनों बेसिक जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का है जो लाउडनेस हमें प्रोवाइड करती है, वेयर एज द इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सो मैंने यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस लिख के रखे हैं। लाउडनेस क्या है, इट इज़ दिस सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर्स। जो सेंसेशन ईयर्स के अंदर प्रोड्यूस होती है वो है, एंड इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन फेंट एंड लाउड साउंड। मतलब कि धीरे और तेज आवाज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें लाउडनेस ऑफ ए साउंड बताती है, जो कि सेंसेशन है हमारे ईयर्स की। जबकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का एक फार्मूला होता है, दैट इज़ द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय साउंड वेव पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। देन द लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसकी यूनिट होती है डेसीबल, जिसको हम कहते हैं डीबी। इंटेंसिटी की होती है वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम कहते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंड लाउडनेस इज डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स, वेयर एज इंटेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेज बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब देखते हैं पेज नंबर 167 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, तीन मीडियम्स हमें गिवन है एयर वाटर एंड आयरन, डज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे साउंड वेव सबसे ज़्यादा किस में तेज ट्रेवल करेगी, एयर में, वाटर में या आयरन में, तो ये हमें बताना है यहाँ पे। अब हमें पता है ये चीज़, और आप इसको नहीं तो आप नोट कर लीजिए, दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। अब इन तीनों में से एयर, वाटर और आयरन में से सॉलिड कौन सा है, आयरन। सो द आंसर इज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन आयरन। अगर यहीं पे स्लोएस्ट पूछा होता तो आप लिख सकते हो दैट साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन एयर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये पेज नंबर 167 का। अब देखते हैं क्वेश्चन वन पेज नंबर 168 का। क्वेश्चन में इको के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो एन इको रिटर्न्ड इन 3 सेकेंड, एक इको को आने में 3 सेकेंड लगते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बहुत सिंपल है ये तो। बट इसमें अभी एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है। लेट अस से दिस इज़ द सोर्स, ये सोर्स है जिसने साउंड प्रोड्यूस करी, एंड दिस इज सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इको को आने में 3 सेकंड लगते हैं। इको क्या होती है, सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाकर के साउंड वेव जब वापस आती है उसको हम एक इको बोलते हैं। सो दिस इज वन इको। सो जाने में और वापस आने में टोटल में हमें लगा 3 सेकंड। सो एक साइड का कितना लगा, 3/2, डेट इज़ 1.5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1.5
सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस, और ये कंप्लीट मिलके बनता है 3 सेकेंड फॉर इको जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, लेट अस से दिस इज एस, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो एस क्या हुआ, स्पीड कितनी हो गई 342 गिवन है, इनटू अब टाइम कितना हो गया 1.5। सो 342 इनटू 1.5 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 513 मीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 169, 170 एंड 172। सो दिस इज ऑल फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, थैंक यू।